हेलो कैडेट, जय हिंद जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम है सीनियर अंडर ऑफिसर बीकेस राजपूत फ्रॉम 56 एपी बटालियन एनसीसी झांसी कानपुर ग्रुप यूपी डायरेक्टेड। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो नए नए स्टूडेंट्स होते हैं 9th या 10th क्लास में जो पढ़ रहे होते हैं या 12th या के बाद जो डिग्री करते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि एनसीसी कैसे ज्वाइन करते हैं। तो एनसीसी ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि किसे कैसे ज्वाइन करें, इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, जिस कॉलेज में एनसीसी है वो क्या करें और जिस कॉलेज में एनसीसी नहीं है वो एनसीसी ज्वाइन कैसे करें। इन टॉपिक पे आज हम बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट अगर जाता है कहीं भी या 10th या 12th में होता है तो उसको एनसीसी के बारे में पता नहीं होता है, तो उनको बताने के लिए ये मैं आपको एक वीडियो बना रहा हूँ, तो आप प्लीज़ देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स को 9th या 10th वालों के इतना नॉलेज नहीं होती कि एनसीसी क्या, अगर जिसको नॉलेज होती है तो उनको स्कूल में बताया जाता है कि एनसीसी ये होती है, इससे हमें बेनिफिट ये होता है, ये लाभ होते हैं हमें, तो एनसीसी ज्वाइन वो कर लेते हैं। जिनको पता ही नहीं होता है तो कैसे ज्वाइन करें, तो स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि एनसीसी कैसे ज्वाइन करते हैं। सबसे पहली बात तो एनसीसी ज्वाइन करने के लिए हमें स्कूल में एडमिशन, जिस स्कूल में एनसीसी है आप उस स्कूल में एडमिशन ले लीजिए तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी एनसीसी लेने में। और जिस स्कूल में एनसीसी नहीं है वो भी एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, वो हम इसमें बताता हूँ कैसे। स्कूल वालों को जो स्कूल में एडमिशन है लेते हैं और उसमें एनसीसी है तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। उनके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपके एनसीसी के एक सर होते हैं, ANO या केयर टेकर बोल सकते हैं उनको, तो या फिर अगर वो भी नहीं है तो आप प्रिंसिपल सर से या अदर स्टाफ से किसी से भी पूछ सकते हैं कि सर एनसीसी का ऑफिस कहाँ है स्कूल में और इसे इसके सर कहाँ है, तो आपको बता देंगे, इसे मिल जाए तो आप वहाँ पे जाके जाइए, सर से मिलिए, सर आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को फिल कीजिए। उसके बाद इसका एडमिशन लगभग जुलाई मंथ में स्टार्ट हो जाता है, जुलाई के मतलब जैसे आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद जुलाई में ये एनसीसी का एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे फिल कीजिए और इसमें फिजिकल ज्यादा नहीं होता, इसमें थोड़ी रनिंग कराई जाती है, थोड़ा आपका बॉडी पार्ट्स देखे जाते, कोई बॉडी पार्ट्स हैं, कोई कटा फिटा तो नहीं है, ये सब देखा जाता है। बाकी आपकी परसेंटेज देखी जाती है, आप पढ़ने लायक हैं या नहीं है, आपका इंटरव्यू होता है, बस नॉर्मल इंटरव्यू होता है, ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई ज्यादा वैसा नहीं होता, आराम से नॉर्मल आराम से दीजिए, आपका हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं होता। बस आपकी हाइट होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी हाइट होनी चाहिए, आप एनसीसी लाइक हो या नहीं हो आपका देखा जाता है थोड़ी। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज आप उस लाइक है या नहीं है। बाकी इसमें आपको अगर आप स्कूल से ज्वाइन करते हैं तो आपको जूनियर डिवीजन बोलेंगे तो आपको ए सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है सर, और जो बी वाले स्टूडेंट्स मतलब जो 11th या 12th में है तो उनको बी सर्टिफिकेट मिलता है, ये भी जूनियर डिवीजन में कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं फिर सीनियर डिवीजन, जो स्कूल से करते हैं उनको जूनियर डिवीजन ही बोला जाता है। उसके बाद आते हैं कॉलेज से, कॉलेज से एनसीसी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन करने के लिए भी सेम प्रोसेस है, अगर आपके इस कॉलेज में एनसीसी है तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपके कॉलेज में एनसीसी नहीं है तो कैसे ज्वाइन करें। तो अगर आपके कॉलेज में एनसीसी नहीं है तो आप पहले तो प्रिंसिपल सर के पास जाइए, सर मैं अदर कॉलेज से एनसीसी करना चाहता हूँ, मेरा एक सर्टिफिकेट बना दीजिए, तो वहाँ पे एक NOC देते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इससे आप अदर कॉलेज से भी एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप जाइए तो आप वो सर्टिफिकेट दूसरे अदर कॉलेज में दिखाइए कि सर मैं एनसीसी ज्वाइन करना चाहता हूँ, सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो आपको बताएंगे कि इसमें एनसीसी ज्वाइन हो जाएगी। वैसे आपको बताएंगे कि सर मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मुझे एनसीसी ज्वाइन करनी है, तो लगभग एनसीसी आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे। और बाकी सेम प्रोसेस ही है कॉलेज में भी, वही फिजिकल होता है, रनिंग होती है, बॉडी पार्ट्स चेक किए जाते हैं, इंटरव्यू होता है, परसेंटेज देखी जाती है आपकी 10th या 12th में कितनी परसेंटेज है, अगर आपकी 80 प्लस है या 70 प्लस है तो आपको एनसीसी दे दी जाती है। बाकी आपकी हाइट देखी जाती है, फिजिकल देखा जाता है, बस नॉर्मल होता है, कोई डरने वाली बात नहीं है। इसके लिए कॉलेज वालों को जो एनसीसी ज्वाइन करते हैं उनको बोलते हैं SD और SW। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट्स को इतना तो पता चल गया एनसीसी ज्वाइन कैसे करते हैं। अब इसमें हमें प्रॉफिट बेनिफिट क्या क्या होता है, हमें क्या क्या लाभ होते हैं एनसीसी करने से। अगर आप लाभ नहीं जानेंगे तो आप एनसीसी ज्वाइन करेंगे क्यों, क्यों एनसीसी में टाइम वेस्ट करेंगे। इसलिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है आपके बेनिफिट क्या क्या होते हैं, हमें किस किस जॉब में क्या क्या नंबर मिलते हैं, कितने नंबर मिलते हैं, इस पे हम बात करते हैं। ठीक है, जो 9th या 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको ए सर्टिफिकेट मिलता है, 11th और 12th क्लास वाले उनको बी सर्टिफिकेट मिलता है। जो डिग्री कर रहे हैं या कोई भी डिग्री कर रहे हो, अगर मैं ये नहीं बोलूंगा कि BSc BA आप कुछ भी डिग्री कर रहे हो तो वहां से आप सी सर्टिफिकेट मिल सकता है। जो ए सर्टिफिकेट वालों को जो बेनिफिट होता है 5 नंबर का होता है सारे जॉब्स में लगभग, और जो बी सर्टिफिकेट वाले के 10 नंबर दिए जाते हैं, उसी चेक में 15 नंबर दिए जाते हैं, और जो
आर्मी से रिलेटेड जो भर्ती होती है, रैली बोल सकते हैं, उनमें आपको जो जीडी वाली भर्ती होती है उसमें आपको एग्जाम नहीं देना पड़ता, नो रिटर्न एग्जाम, आपको एग्जाम नहीं देना पड़ता है, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है। आर्मी में जो रैली भर्ती करते हैं वो आपको केवल फिजिकल देना पड़ता है, मेडिकल होता है, बाकी आपका टेस्ट हो जाता है, आप सर्टिफिकेट दिखाइए, आपके पूरे नंबर मिल जाते हैं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी जो जैसे क्लर्क व्लर्क वगैरह हैं, इनके लिए मैं वो टेक्नीशियन है, तो इन सब में आपको कुछ मार्क्स मिलते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा सारे मार्क्स, कुछ मार्क्स मिलते हैं, बाकी आप अपनी स्टडी कीजिए तो आप उसे भी इससे भी, तो ये जो 15 नंबर मिलते हैं ना, ये हमें बहुत बेनिफिट करते हैं, हमारे प्लस पॉइंट होते हैं। आप अगर क्लर्क में या टेक्नीशियन में जा रहे हैं तो आपके लिए 15 मार्क्स बहुत होते हैं, इससे आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। और बाकी जो अदस्त जॉब होती है, जो सरकारी या होती है, मतलब जो राज्य की वैकेंसी निकलती है, तो उनमें आपको 5, 10, 15 के नंबर मिल जाते हैं बाकी इसमें। और जो जैसे आप किसी अदर कॉलेज में कोई डिग्री कर रहे हैं, अगर आपको और आगे डिग्री कर दो तो आपको इसमें भी थोड़ा परसेंटेज है, तो आपको इससे बेनिफिट मिल जाता है कि आपके आपको 5% डिफरेंस मिल जाते हैं। तो आप जैसे पॉलिटेक्निक में आपका एडमिशन लेना है, आप डिग्री कर रहे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप वो सर्टिफिकेट लगाइए, तो आपको उसमें भी जानना नहीं, तो 5, 6, 10 नंबर का आपको बेनिफिट मिल जाता है, वहाँ पे भी आपका एडमिशन हो जाता है। बाकी यही सारी इसके फैसले वो हमें बेनिफिट होते हैं, बाकी और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। बस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप आर्मी में कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप एनसीसी ज्वाइन कीजिए। और जो आर्मी से जैसे जो एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, कर लिए या जो ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, एसएसबी हो गया, एसएसबी हो गया, और बाकी जो टीईएस होता है, टीईएस के थ्रू जो वैकेंसी निकलती है, और एनसीसी स्पेशल एंट्री, जो एनसीसी स्पेशल एंट्री की वैकेंसी निकलती है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। स्पेशल एंट्री में आपको केवल टेस्ट नहीं देना, एग्जाम रिटर्न नहीं देना, आपको इंटरव्यू होता है। जो एसएसबी होता है उसमें आपको एग्जाम नहीं देना पड़ता है, ओनली एग्जाम नहीं देना पड़ता, ओनली आपका इंटरव्यू होता है। बाकी ये सब एनडीए के थ्रू में आपको कुछ बोनस पॉइंट मिल जाते हैं, टीएस में आपको रेफरेंस मिल जाता है, सीडीएस में, मतलब जो ऑफिसर लाइन में आपको काफी सारा बेनिफिट होता है। आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ता, आप जाइए, सॉरी आपको रिटर्न नहीं देना पड़ता, आपको इंटरव्यू देना पड़ता, आप जाइए इंटरव्यू दीजिए, 5 दिन का इंटरव्यू होता है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो अच्छी बात है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है एनसीसी, तो इसलिए एनसीसी ज्वाइन करनी चाहिए। मैं सलाह दूंगा हर स्टूडेंट्स को जो 9th या 10th या 11th 12th या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो एनसीसी प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, आपको आगे चल के बहुत बेनिफिट देगा अगर आप आर्मी में इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पेज को एनसीसी ऑल इंडिया फ्रेंड्स को फॉलो कर लें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी मेरे को जो भी प्रॉब्लम होती है एनसीसी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, आगे चल के और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा जो एनसीसी जो स्टूडेंट्स को एनसीसी एनसीसी से रिलेटेड या जो एनसीसी कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, मैं उसके ऊपर आगे चल के वीडियो बनाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।